मठाड़ा खाल जाती है उस वाली रोड पे चलते हैं। और आ भाई चलानी है ना तो थोड़ा संभल के चलाना क्योंकि रुकते हैं यहाँ पे निकल वहाँ ऊपर तक है मठाड़ा खाल मंदिर। ये है मठाड़ा गाँव और यहाँ से लेकिन मजा तो आपको आ रही आ रहा कोई पता नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हो रहा है एंड मोटो ब्लॉग। कल भी हो रहा था मोटो ब्लॉग और आज भी हो रहा है तो लगातार। दोस्तों कल हो रहा था हमारा मोटो ब्लॉग और आज भी मोटो ब्लॉग चल रहा है तो ये मेरा दूसरा मोटो ब्लॉग है। और कल हम गए थे यहाँ से नीचे वाली रोड पे, आज मैं जाऊँगा ऊपर वाली रोड पे। जो रोड मतलब यहाँ से मठाड़ा खाल जाती है उस वाली रोड पे चलते हैं और आपको भी आगे दिखाते हैं कि कैसी है ये वाली रोड। तो ये वाली रोड भी काफ़ी ख़तरनाक है यार, दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे तो पहाड़ों पे सब रोड ही ख़तरनाक है यार, और अपन का फ़ौरन देखिए क्या ही ख़तरनाक वाला है यार, कति ही जहर बोलते हैं इसे। यार मुझे हो चुका है दोस्तों जुकाम लग चुका है यार, ठंड में ऐसा ही बुरा हाल हो रहा है जुकाम से। और देख सकते हो काफ़ी ख़तरनाक गा रहे यार, मतलब पहाड़ों पे आपको स्कूटी बाइक चलानी है ना तो थोड़ा संभल के चलाना क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक रोड होती है यार पहाड़ों की। काफ़ी टूट फूट हो रही है रोड की, कभी रोड की सर्वे होती नहीं है। दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा और देखते हैं यार एंगल कैसा आ रहा है। आज तो एंगल थोड़ा ठीक भी करना है अपना, तो रुको जरा। दोस्तों जो सामने पे दिख रहा है ये है सौरा खाल, ये नीचे कफना पता नहीं बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब बहुत सारे मतलब गांव है यहाँ देख सकते हो। और इस वाली रोड पे ना अभी सड़क जा रही है, इस वाली रोड पे अभी सड़क जा रही है। और मैं बताता हूँ यहाँ नीचे है सेमलता गांव, थोड़ा बहुत दिखेगा यार, ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि चीड़ के पेड़ है तो सामने से कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ से जा रही है वो रोड, मतलब इस वाले जो ये वाला है ना वो पहाड़ ये पहाड़ दोनों को आमने सामने के लिए ना एक पुल बन रहा है। और यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक है, पहले यहाँ के गांव वाले सीधा पैदल जाते थे ऊपर तक। और जो ये वाली रोड है ना बहुत लंबी है यार, 18 किलोमीटर है तो इतनी घूम पे यहाँ तक पहुँची है ये। और इसके पीछे आप यहाँ से श्रीनगर होके भी जा सकते हो यार, और देख सकते हो धूप का ही मस्त वाली धूप है यार। हाय हाय रोड की हालत देखो, खतरनाक हो रही है रोड। और यहाँ पे हमारी स्कूटी दिखाते हैं आपको, यह है अपनी स्कूटी। और यहाँ पे है मठाड़ा खाल, यह है मठाड़ा खाल मंदिर, यह है मठाड़ा गांव। और यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर इतना ही होगा अब। और वहाँ चौरियास बहुत सारी है यार, बहुत सारे गांव हैं आगे, मतलब हमारे पहाड़ों में मतलब गांव ख़त्म ही नहीं होते, इतने गांव हैं कि क्या ही बोले। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं यार अपनी रोड की तरफ, थोड़ा बहुत और थोड़ा दूर तक चलते हैं। और इस वाली रोड पे ना बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यार ढेरी, और यहाँ पे देख सकते हो चौराहा है यहाँ से 6 किलोमीटर। और यहाँ पे कुछ ड्राइवर साहब हैवी ड्राइवर बोलते हैं जिन्हें, वो मिल चुके थे हमें। और मेरी गाड़ी पता नहीं इतनी ज़्यादा यार उछल क्यों रही है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है।
यहाँ पे देख सकते हो रोड की क्या हालत हो रखी है। दोस्तों ये है 1600 मीटर और यहाँ तक पहले हम रनिंग करके आते थे यहाँ पे तक, क्योंकि मुझे पता है ये 1600 मीटर है क्योंकि हमने इतनी रनिंग किया है इस पर। तो चलो यहाँ से थोड़ा बहुत रोड सही है, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। आप सबको मैं अपनी अलग अलग रोड, मतलब जहाँ जहाँ से रोड जाती है सब रोड बताऊँगा मैं आपको कि कौन सी सड़क कहाँ के लिए जा रही है। और एक ऊपर जा रही है सकनेड़ा वाली, रुको जरा यहाँ पे स्कूटी रुका के आपको बताता हूँ। यार यहाँ पे रुकाता हूँ मैं, पहले आपको वही बता देता हूँ मैं। चलो 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 चलो, कहाँ स्टैंड खुल जा भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है यार। तो मैं आया हूँ काफ़ी दूर भी, क्या बोल रहा है यार, 2 किलोमीटर के बगल पर हूँ, जस्ट 1600 मीटर से आ गया हूँ। देख सकते हो यहाँ अभी तक धूप नहीं लगी है, थोड़ा बहुत धूप है। और सामने है सकनेड़ा गांव ये है। तो यहाँ जो रोड है ना, सड़क देख सकते हो, मतलब काफ़ी अच्छी सड़क बनी है यार, मतलब बनी है सीधा कुलतार बिछाया गया है, मतलब काफ़ी डाउन भी है, उस पर काफ़ी चढ़ाई भी है। और बैंड देखोगे ना आप, मतलब छोटे छोटे बैंड है और पूरे जीरो बना रखे उनके। और ऊपर है गोड़ी खाल, वहाँ पर तक मतलब रोड जा रखी है, वहाँ से मठियाड़ा खाल जाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत है। और ऊपर है क्विला खाल, यहाँ बच जाया है। और ये है उतिसू, और यहाँ पानी निकलता है, और यहाँ का पानी ना हमारे घेंगड़ गांव जाता है। मंदिर के पास एक बड़ी डिग्गी है ना, मतलब वो बनाए गए टैंक, तो वहाँ जाता है। तो वहाँ आगे भी काफ़ी पानी निकलता है, तो वहाँ आपको बाद में लेके चलूँगा। तो अब चलते हैं नीचे घर की ओर, क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने किया है शूट दोस्तों लगभग 10:30 या 10 बजे के करीब किया है। तो मतलब यार टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी बनेगी, तो इससे अच्छा है कि मुझे लेट हो जाएगी घर तक जाने में। और यहाँ पे गाड़ी निकल ही नहीं पा रही यार, पता नहीं क्यों। और यहाँ से तो न्यूट्रल है, तो हम थोड़ा बहुत न्यूट्रल में भी चलेंगे। और आपको सबको ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को इंजॉय कीजिए। दोस्तों इस साइड तो आप देख सकते हो धूप लगी हुई है, काफ़ी प्यारी प्यारी धूप है यार, मस्त वाली धूप है। तो कहीं पर रुकते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी आप सबके बीच आई भी आप सबके साथ। और देख सकते हो यहाँ पे मज़ा भी आए, मैं तो वहीं पर रुकाऊंगा यार जहाँ पे धूप होगी। अब मैं सोच रहा हूँ सामने पर रुकाऊंगा, अभी रुको जरा सामने पर रुकाते हैं। दोस्तों मैं रुका था यार यहाँ धूप पे, और देख सकते हो मतलब धूप तो मेरे से सामने मतलब चेहरे पे पड़ रही है, तो इसलिए मेरे आंखें जो है ना बंद हो रही है यार। तो इस साइड तो अभी धूप यहाँ पे है, और मैं बताता हूँ इस साइड मतलब जहाँ पर मैं रुका हूँ ना, तो यहाँ 3 बजे धूप आती है, वो भी ख़तरनाक वाली। और ये वो वाली जगह है जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते थे यार। और दोस्तों ये मेरा दूसरा मोटो ब्लॉग है, और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट तो ज़रूर करना कि मोटो ब्लॉग पसंद आ रहे हैं कि नहीं, तो हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़ा तो खूब आ रहा है मुझे, आपको आ रही आ रहा कोई पता नहीं, लेकिन मुझे खूब आ रहा है मज़ा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मोटो ब्लॉग करने में। चलो तो अब घर की ओर चलते हैं यार, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो गया, 12 बजे तक मुझे घर जाना है, तो इसलिए मैं चलता हूँ अब घर की ओर। और चलो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा।